बस एदी ना एदी रील बना ले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी और रिडॉक्स इज डन। इन दिस केस वी टेक द वन बीकर जिसमें एक एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब NaCl जो कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, H2O कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। सो इसमें देखिए कि जो कैटायंस है वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ, और अनायन किस तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ। ठीक है, तो इसमें कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से इसमें दो गैसेस बनेगी जिसमें एक हाइड्रोजन गैस जो कि कैथोड के ऊपर बनेगी और क्लोरीन गैस जो है वो क्लोरीन गैस किसके ऊपर बनेगी, एनोड के ऊपर। सो दिस फुल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट इज ओनली डन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी और रिडॉक्स इज डन। इन दिस केस वी टेक द वन बीकर जिसमें एक एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब NaCl जो कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, H2O कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। सो इसमें देखिए कि जो कैटायंस है वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ, और अनायन किस तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ। ठीक है, तो इसमें कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से इसमें दो गैसेस बनेगी जिसमें एक हाइड्रोजन गैस जो कि कैथोड के ऊपर बनेगी और क्लोरीन गैस जो है वो क्लोरीन गैस किसके ऊपर बनेगी, एनोड के ऊपर। सो दिस फुल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट इज ओनली डन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।